अगले में क्या है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शोन। ठीक है, तो देखो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये है, लेट मी यूज रेड कलर ना, तो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अच्छा बेस क्या है, मैं रेड से मार्क करता हूँ, दिस इज द बेस, बेस इज कॉमन, हाइट अलग अलग है। H1 इज गिवन टू यू 12.5, लेट मी जूम इट, ठीक है, और H2 इज गिवन टू यू 1.5, हाइट इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर मैं एरिया देखो, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट ऐड इट। और हमेशा याद रखना, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है उसमें अगर कोई भी, दिस इज नथिंग बट डायगनल, अगर डायगनल जो ये बेस है जो दोनों ट्राइंगल्स के लिए, वो एक डायगनल है क्वाड्रिलेटरल के लिए, अगर डायगनल सेम दिया है उस केस में कैसे आप, और हाइट डिफरेंट दिए कैसे निकालेंगे, आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर वाले का निकालते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5.5, इंटू हाइट, हाइट H1 कितना है 2.5, ठीक है, ओके, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट H1। ओके, दिस इज सपोज दिस इज ट्राइंगल वन, इसको मैं ऊपर वाले को ट्राइंगल वन बोलता हूँ, नीचे वाले को ट्राइंगल टू बोलता हूँ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू विल बी अगेन हाफ इंटू बेस इज सेम, बी को बी लूंगा मैं, H2 ले लूंगा, ठीक है, सो हाफ इंटू बेस तो 5.5 ही है, इंटू H2 कितना है 1.5। आप कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करोगे दोनों ट्राइंगल्स को, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डायरेक्टली एक फॉर्मूला आ जाए, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको ध्यान से देखना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल वन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वन प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट टू। अब ये बेस जो है ना वो डायगनल है क्वाड्रिलेटरल के केस में, सो बेस इज नथिंग बट डायगनल, तो मैं इसको डी से रिप्रेजेंट करूंगा। चलो पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, हाफ इंटू बी आई कैन टेक कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा H1 प्लस H2, और वट यू कैन से बेस को आप किससे कर सकते हो, हाफ इंटू डायगनल डी और ब्रैकेट में H1 प्लस H2। ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया इफ बेस इज सेम। ठीक है, आप इंडिविजुअल भी निकाल के ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले से करूं यहाँ पर, सो H1 और H2 तो है ही मेरे पास, H1 और H2, और डायगनल भी है 5.5, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट हाफ इंटू डायगनल, डायगनल डी इज 5.5 इन ब्रैकेट H1 प्लस H2 1.5 प्लस 2.5, सो हाफ इंटू 5.5 इंटू 4, 2 2 जा 5.5 इंटू 2 विल गोइंग टू गिव मी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी इजी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 वॉज वेरी इजी।